दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में चलने वाली जहाजें जमीन पर चलने वाले गाड़ी वाहन से इतना धीमा क्यों चलते हैं, जबकि समुद्र में तो रोड्स की तरह हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दरअसल किसी भी वस्तु के धीमे और तेज चलने में सारा खेल आरपीएम और टॉर्क का होता है, क्योंकि इसी के आधार पर इंजन को तैयार किया जाता है। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो आरपीएम का मतलब होता है स्पीड और टॉर्क का मतलब होता है ताकत, और ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। मतलब कि यदि आप इंजन से अधिक स्पीड चाहते हैं तो उसकी वजन उठाने की क्षमता यानी कि ताकत कम हो जाएगी, और अगर आप इंजन से वजन ज्यादा उठाना चाहते हैं तो उसकी चलने की गति अर्थात स्पीड कम हो जाएगी। दोस्तों, कार से लेकर यात्री बस तक ऐसा इंजन लगाया जाता है जिसका आरपीएम मतलब की स्पीड अच्छा हो, क्योंकि उन्हें ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़ता। जबकि अगर बात एक सीट की करें तो यह बताने की जरूरत नहीं कि यह एक पूरा का पूरा शहर ही होता है जिसमें दुनिया की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिस कारण यह बहुत बड़े और बहुत भारी होते हैं और इसीलिए इनकी स्पीड भी इतनी कम होती है। अब अगर इसे सरल शब्दों में कहूं तो मेन रीजन यही है कि समुद्री जहाजों का आकार बहुत बड़ा होता है और इन्हें बहुत अधिक वजन उठाना पड़ता है, इसीलिए इनकी स्पीड कम होती है, जबकि सड़क पर चलने वाले वाहनों को वजन कम उठाना पड़ता है, इसीलिए इनकी स्पीड ज्यादा होती है। वैसे आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।